हेलो। तो फाइनल दोस्तों हम लोग लौट के आ चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है? नाइस क्वेश्चन। क्या होने वाला है? ए राहुल, जरा स्क्रिप्ट देना यार, हमको खुद नहीं पता है क्या होने वाला। तो बेसिकली हर यूट्यूबर के लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब उसको लगता है कि उसके चैनल पे वो खत्म हो गया है, वो हाँ कंटेंट खत्म हो गया है। तो वो यूट्यूबर क्या करता होगा बताओ, क्या करता होगा? पहला तो वो ये करता है कि वो क्यू एन ए वीडियो बनाता है, जो कि आज तक हम बनाए नहीं, और अगर बनाएंगे तो उसको प्राइवेट कर देंगे। तो वो करता है। और दूसरा काम वो क्या करता है, दूसरा वो करता है वो सेटअप टूर बनाता है। सेटअप टूर इसलिए बनाता है ताकि व्यूज मेहनत दिखाए, अपना मेहनत उसने कितना मेहनत किया अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, कितना उसने संघर्ष किया है अपनी लाइफ में यहाँ तक, उसने अपनी राह को अपने कैसे बनाया है अपनी राह को। तो आज हम लोग भी वही करने वाले हैं दोस्तों। मैं आपको दिखाऊंगा सेटअप टूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं समझ लगा कि यार मेरे पास कंटेंट का कमी है, कंटेंट बहुत है यार तुम लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों ਨਾਲ डील करना होता है। बिल्कुल सही। हाँ तो दोस्तों इस टेबल से मेरा सेटअप शुरू था। हाँ देखो, तो दोस्तों ये है पानी का बॉटल। देखो यार पानी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में यार, एज अ रिस्पेक्टेड इन्फ्लुएंसर मैं तुम लोग को बोलूंगा यार पानी जरूर पियो यार, दिन में कम से कम 2-3 बार 4 बार 5 बार पानी जरूर पियो यार, क्योंकि उससे तुम्हारे चेहरा पे ग्लो आता है। तो भैया तुमको कितना बार हम बोले यार कि जब पानी पी लिया करो तो भर के रख दिया करो। खैर पानी वाले बात को हम लोग बाद में मद्देनजर रखेंगे। यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा दोस्तों मेरा किताब, ये मेरा मेडिकल का प्रिपरेशन का कुछ किताब सब है, क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता हूँ, लगता नहीं होगा लेकिन ऐसा नहीं है, पढ़ाई भी मैं करता हूँ, और इनको देखे हुए यार एक अरसा हो गया है। खैर किताब के टॉपिक से हम लोग आगे आते हैं यहाँ, और इसको छुपाया कौन है, सब इसी का पैसा ही है। हाँ तो दोस्तों ये रहा मैकबुक जो है यार, ये दिखाता है कि हमने स्ट्रगल कितना किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका यही वाला पार्ट है, ठीक है? तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैकबुक पर शुरू में जब मैं स्टार्टिंग में वीडियोज़ बनाया करता था तो इसी से आई मूवी मेकर से एडिट मैं किया करता था, तो ये शुरू में इससे जो है काम मेरा हुआ करता था। तो ये मैकबुक है सामने यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है कि जो लोग इस वीडियो में, कुछ लोग होंगे जो DPS से देख रहे होंगे या जो उस तरह से स्कूल से हैं, उनको पता होगा कि ये मिलता है जब आप 12th पास करते हैं स्कूल से। तो ये भैया का है बेसिकली, उसको मिला था, तो वो जब भी यहाँ पढ़ता था उस टेबल पर रखता था इसको। तो ये यार उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर इसलिए छोड़ा हुआ है। ये यार कैमरा जिससे कि मैं वीडियोज़ जो है रिकॉर्ड किया करता हूँ, अपने जितने भी चैनल के वीडियोज़ तुमने देखा है अभी तक, उसमें से कुछ वीडियोस जो हैं इसी से रिकॉर्ड हुए हैं। निकॉन का ये बहुत पुराना सा कैमरा है, तो इससे मेरे सारे वीडियोस रिकॉर्ड होते थे। अभी ये मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि बैटरी नहीं है इसमें। ये है स्टिकी नोट्स है, OD का जो आता है स्टिकी नोट्स है कॉपी में चिपकाने के लिए। बताया ना मैं पढ़ाई लगता नहीं लेकिन पढ़ाई होता है थोड़ा सा। ये यार यहाँ पे कॉफ़ी मग रखा हुआ है, ये कॉफ़ी मग टूटा हुआ है तो उसको निकाल के इसमें पेन स्टैंड टाइप बना लिए, पेन वेन रखने के लिए यहाँ पे, तो उसके यूज़ में ये आता है यहाँ पे। ये यहाँ पे एक लैम्प है जिसको मैं दिखाऊंगा नहीं तो ब्राइटनेस पूरा चला जाएगा डिवाइस का, इसलिए वो नहीं दिखा रहा, लेकिन लैम्प का दोस्तों मेन यूज़ होता है, मैं तुमको समझाता हूँ। लैम्प का ऐसा ना, लैम्प वो चीज़ होता है, वो उपकरण है जिससे कि जैसे अगर रात में आप पढ़े अंधेरा में पढ़ो तो आपको पढ़ने में हेल्प मिलता है, तो लैम्प का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। तुम लोगों को पता नहीं होगा, देखो इसीलिए ना हम टेक यूट्यूबर, जो चीज़ तुम लोगों को नहीं पता होता वो हम सब कुछ तुम लोगों को बताते हैं और कवर करते हैं वीडियो में। इसे यही तो मेरा फैन बेस है गाइस, मेरे फैंस यही तो चाहते हैं मुझसे। इधर के साइड में दोस्तों हम लोग मोटिवेशनल कोट्स लगाए हैं सामने, आप देख सकते हो दोस्तों। इसी सबको देख के यार मन करता है कि और 5 मिनट पढ़ लें यार। तो 11 बजे पढ़ाई शुरू करते हैं और 11:15 में पढ़ाई खत्म। तो देख रहे हो यही सब मोटिवेशनल कोट्स है। इफ अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक बिल्ड अ डोर, नेवर कन्फ्यूज अ सिंगल डिफीट विद अ फाइनल डिफीट, एवरी डे इज अ सेकंड चांस। इसका मतलब अगले दिन सुबह उठो, अगले दिन पढ़ाई करना, आज पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। तो ये सब है यार, मजाक करो, मजाक को साइड में रखते हुए, प्रॉब्लम्स आर नॉट साइंस दे आर गाइडलाइंस। तो ये सब कुछ मोटिवेशनल कोट्स है। जब मन ऐसा अजीब सा हो जाता है ना यार, फिर वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो जाता है, तो ये सब देख के मन करता है कि यार चलो काम पे वापस से बैठते हैं। तो यार ये सब भी एक टाइम पे इंपॉर्टेंट ही होता है मेरे हिसाब से। इस सेटअप का सबसे अगर इंपॉर्टेंट कुछ पार्ट है ना, तो जेन्युइनली यार यही है वो। ये लैपटॉप वो है जिस पे मैंने शुरू किया था एडिटिंग सीखना, सब कुछ स्टार्टिंग से जो है इसी लैपटॉप पे हुआ है यार। तो इसलिए इस लैपटॉप से एक अलग सा ही प्यार सा झलकते रहता है। ये लेनोवो का बहुत पुराना लैपटॉप है, आइडिया पैड है बहुत पुराना सा,
तो इसी मैंने सब कुछ शुरू किया और तो ये टूट टूट भी गया है, इसलिए इसको रखा हुआ है घर पे ही। वो अलग बात है कि फ्लिपकार्ट पे एक्सचेंज नहीं मिल रहा था तो वो भी इसलिए भी घर पे पड़ा हुआ है। तो अब ये चलता उतना कुछ खास है नहीं और एक नया लैपटॉप मिल गया है हमको, तो फिर उसका क्या ही यूज़ है यहाँ पे। तो बाकी यार यही है कुछ यहाँ पे सेटअप, और एक ट्राईपॉड यूज़ करता हूँ यार वीडियो बनाने के लिए, बस मिला जुला के इन सब से वीडियो बन जाता है। एंड में यार देखो यही सेटअप है, जो भी सेटअप है भाई यही सेटअप है, तो अब इसी पे वीडियो बनता है। और अभी धीरे धीरे वीडियो जो है बहुत डिले हो रहा है, क्योंकि अभी साथ में पढ़ाई वढ़ाई भी करना रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो डिले में ही आएगा आने वाले टाइम पे भी। लेकिन एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, हमको ऐसा लगता है एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा, और हम जैसा चाह रहे हैं वीडियोस बनाना और आराम से एंटरटेन करना तुम लोग को, वो सब वापस से चालू हो जाएगा यार। तो बस यार स्टे ट्यून्ड रहो, और क्या बोलूँ यार यहाँ पे। तो दोस्तों अगर तुम लोग को भी यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू करना है, तो तुम लोग को इन सब में से किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तुमको बस चाहिए एक मैकबुक, एक आईपैड और एक आईफोन। फ्रैंकली स्पीकिंग यार तुम लोग को सही में किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था तो वो Redmi 3S Prime एक फ़ोन होता था, उसका बैक कैमरा से बनाया करता था मैं वीडियो, तो उस टाइम पे 720p से 1080p में मेरा वीडियो बन जाता था। तो उस टाइम पे मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ख़राब वीडियो बनाया करता था उस टाइम पे भी, ठीक है उस वीडियो में बहुत मज़ा नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत कुछ चेंज कर रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग को ज़्यादा एंटरटेन करूँ यहाँ पे। अभी हो क्या रहा है कि साथ में मेडिकल का ये प्रिपरेशन और अभी ये सब कुछ भी चल रहा है साथ में, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। लेकिन तुम लोग को कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ मैं अपनी पुरानी वीडियोस से, कि मैं पहले कैसे वीडियो बनाया करता था, किस तरह से फ़ोन को रख के मैं वीडियो बनाया करता था, मेरी ओल्ड वीडियो से कुछ क्लिप्स देखो। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा है मेरा चैनल तो वो सब कुछ क्लिप्स देखो। और अभी ये सब कुछ जो भी अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ मेरे लास्ट वीडियोस DSLR पे थे, और ये सब कुछ यार मेरे दोस्तों का भी बहुत उसमें सपोर्ट है, एंड मैं हर वीडियो में उन लोगों को शाउट आउट देता हूँ। लोग मुझे बोलेंगे यार कि तुम हमेशा कुछ ना कुछ लोग से पैसा वैसा लिए हुए हो। एनीवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए